सुखदेव सिंह उगामेडी की हत्या से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस प्रशासन के साथ समाज के लोगों की वार्ता सफल रही है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आला अधिकारियों के साथ सकारात्मक वार्ता सफल रही। समाज के प्रभुजन बाहर जमा समर्थकों को दे रही बिंदुवार जानकारी। अब गोगामेडी की पार्थिव देह की शिफ्टिंग को लेकर चर्चा को लेकर फैसला हो रहा है। SMS या फिर जयपुरिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट होगी पार्थिव देह। सहमति बन गई है हमारी। जी 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 ये बनी है कि इनको जो सुरक्षा में खामी रही जी जी उसकी NIA से जांच होगी और रिटायर्ड जज के माध्यम से इनकी जो भी जिनकी गलती रही है उनको सख्त से सख्त सजा उसके माध्यम से सुनाई जाएगी। उसके साथ साथ ही इनको सुरक्षा दी जाएगी और परिवार को और भी कई प्रकार इनके वेपन लाइसेंस है और ये भी सारी व्यवस्था की जाएगी। सर आर्थिक मदद के लिए जो आर्थिक मदद का भी आश्वासन दे दिया सरकार गठित होते ही। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना मैक्सिमम होगा सरकारी नौकरी भी मिलेगी। NIA की जांच की मांग थी जो बिल्कुल NIA की जांच हमारी मान ली गई है। लगभग सहमति बन गई सर। लगभग सहमति बन गई। अब जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है जो है वो कब शुरू होगी और कहाँ पोस्टमार्टम होगा कुछ चर्चा हुई है? शाम जी एलिजिबल होगा जयपुरिया में SMS में वहाँ बॉडी को। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, आपने एक के बाद एक कई सवाल किए, उन तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए लेकिन जवाब स्पष्ट भी थे और स्पष्ट नहीं भी थे, तो इन सबके बीच में स्थिति अभी क्या है? हम लोग तो जिस प्रकार से पहुंचे हैं, हम लोगों का ये दर्द है कि जिस प्रकार से आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेडी की नृशंस हत्या की गई उसका बहुत हमें दुख है। पूरे राजस्थान आज काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और वार्ता का दौर अभी चल रहा है और लगता है कि अभी बहुत लंबा समय लगेगा। नहीं, वार्ता की अभी मनोज सहमति जी बोल के गए, मनोज न्यानी जी की वार्ता हो चुकी है, सहमति बन गई है और बाहर घोषणा भी कर रहे हैं, राम सिंह जी भी बोल गए। अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ, सहमति बन गई है, बात बयान पूरा फाइनल नहीं हुआ, अभी चल रहा है। आपका नाम बताया? मैं जन स्वाभिमान संयोजक राजऋषि समतारा महाराज। विजेंद्र, देखिए बिल्कुल अभी इस वक्त अंदर से जैसे ही बातचीत करके लोग आ रहे हैं तो उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और राम सिंह राजपूत सभा भवन के जो अध्यक्ष हैं राम सिंह जी, उन्होंने अधिकृत बयान दिया है अभी कि सहमति लगभग अधिकांश मांगों पर बन गई है। और उसके बाद में मैं मेरे साथी सत्यनारायण उनसे बात कराना चाहूँगा। सत्यनारायण जी, क्या अपडेट अभी तक की और जो सफल वार्ता रही, तीसरे दौर की वार्ता सफल हुई है, उसके बाद में अब क्या बिंदुवार क्या क्या चीज़ें हुई है और साथ में जो ये अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्योंकि अभी समाज के हर व्यक्ति अलग से निकल के आते हैं, हर व्यक्ति का अलग बयान होता है, क्या अधिकृत बयान माना जाए? सर देखिए, इस पूरे मामले के अंदर अभी तक सहमति बनी है नहीं बनती, अलग अलग बयान आ रहे हैं, समाज के जो नेता हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। जैसे पहले राम सिंह जी आके गए तो उन्होंने साफ कहा था कि सहमति बन चुकी है, तमाम जो बिंदु है सहमति बन चुकी है, ड्राफ्ट तैयार हो गया था, साइन भी हो गए हैं उस पर, तो ऐसे में ये बयान अलग अलग क्यों आ रहे हैं? फिर देखिए, करीबन 11 बिंदु हैं इनकी मांग में और 11 बिंदुओं में कौन से बिंदु पर सहमति नहीं बनी इसका पेंडेंसी रखी गई है। हालांकि अभी तक अधिकृत स्वीकृति नहीं है कि हाँ बयान हो, जो सहमति है वो बन चुकी है, ये अभी तक नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि जब तक पुलिस के आला अधिकारी ये क्लियर नहीं करेंगे तब तक विकास ये क्लियर नहीं होगा, तो सहमति बन चुकी है। राम सिंह ने जिस तरह से बयान दिया है कि सफलता हो गई है, सब बातचीत हो गई है, अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है और उसकी घोषणा हम कर रहे हैं, इस बात के लिए बयान दे गए हैं। देखिए, अंदर समाज के कई नेता बैठे हैं, यानी विरोधाभास है समाज में। जी पूरा। देखिए विजेंद्र, वैसे तो हम कह रहे हैं इस पूरे मामले में अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है और सकारात्मक बातचीत भी हो गई, लेकिन क्या है कि समाज के अलग अलग। बिल्कुल विकास, और समस्या यही है। पैकेज की जो बात है उससे भी हमारी सहमति बनी है। आकर विकास की मेरी जिम्मेदारी, मेरी सरकार बनने के 15 दिन के अंदर मैं एक आर्थिक पैकेज दिला दूँ। कितने नंबर है? इसके अलावा हमारे 500 है अपना रिमोट। सुखदेव सिंह के परिवार को जो पुलिस आयुक्त जयपुर में जो निवास करते हैं उनके लिए जयपुर में, और जो हनुमानगढ़ जिले में निवास करते हैं और हनुमानगढ़ जिले में उनको हाई सिक्योरिटी की लगा दी गई, उनको हाई सिक्योरिटी दी जाएगी। उसके अलावा सुखदेव सिंह के जयपुर में निवासरत परिवार के सदस्यों को 70 अनुज्ञा पत्र जयपुर आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने से 10 दिन में स्वीकृत किया जाएगा।
क्योंकि जयपुर में अभी तक उनके परिवार का कोई आवेदन नहीं है। और जिला हनुमानगढ़ में निवास परिवारजनों को शस्त्र अनुज्ञा पत्र के विचाराधीन आवेदन है तीन, उन तीनों पर 10 दिन में अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर दिया जाएगा। जिला हनुमानगढ़ को शासन प्रमुख शासन सचिव गृह राजस्थान सरकार ने आदेशित कर दिया है। 10वीं मांग हमारी थी इस प्रकरण के समस्त गवाहों को जयपुर आयुक्त या संबंधित जिले में जहां वो कोई भी गवाह रह रहा है उस जिले से उनको सुरक्षा दिलाई जाएगी। उनकी सुरक्षा जब तक रहेगी जब तक ये मुकदमे का निस्तारण नहीं होगा। इसके अलावा हमारी इस चर्चा के दौरान बड़ी बात आई कि हमारे सामाजिक आंदोलनों के लोग, सामाजिक नेता, सामाजिक प्रतिष्ठित समाजों के संगठन के लोग जो भी हैं, जो हर आंदोलन में जब संघर्ष करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, तो उनको टारगेट बनाया जाता है, उन लोगों को फिर खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए भी हमने लिखित में दिया है कि ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी थ्रेट है, ऐसे लोगों की धमकियां दी गई है, ऐसे लोगों की पुलिस पूछताछ में जानकारी आई है, उनकी भी गहनता से जांच करके उन लोगों को भी सुरक्षित करने का काम किया है। ये हमारी सारी मांगे थी, इन सारी मांगों पर हमारी सहमति हो गई। एक भी मांग हमारी ऐसी नहीं है जिन पर सरकार के सामने रखी उन सारी मांगों पर सहमति हुई। ये संघर्ष समिति के बीच में और परिवारजन के बीच में आई बातें होने के बाद आप सब लोगों को ये बातें बता दी गई। अब आज के इस आंदोलन के संरक्षक, इस आंदोलन को लड़ने वाले मैं राजेंद्र सिंह जी गुड़ा साहब से निवेदन करूंगा, अच्छा दूसरी एक बात और नाम बोलता हूँ, अच्छा समाज के लोगों के द्वारा या अदर समाज के जितने 36 के लोग थे, सब लोगों ने परिवार को संबल देने के लिए आर्थिक सहयोग अच्छा डॉक्टर साहिब जी की अभी 5 लाख घोषणा करिए भाई, आप यार खुद बोलो। जरा देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि समझौता बना नहीं और दूसरे तरफ मनोज जिनांगली समझौता किन किन बिंदुओं पर बन चुका है वो पढ़कर बता रहे हैं। बिंदुवार वो बता रहे हैं कि किस बिंदु पर किस तरीके से सहमति बनी है। मसलन मुआवजे को लेकर क्या सहमति बनी, सरकारी नौकरी को लेकर क्या सहमति बनी, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर क्या सहमति बनी, NIA से जांच को लेकर क्या सहमति बनी, सुखदेव सिंह घोगामेड़ी को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई, इसकी जांच कौन करेगा, इस पर सहमति क्या बनी, जो गवाह होंगे उनको कब तक सुरक्षा और कैसे मुहैया करवाई जाएगी, इस पर क्या सहमति बनी, बिंदुवार वो बता रहे हैं। सब लोगों ने जो सहायता करी और सहायता में 1,30,00,000 रूपए, 5 लाख की घोषणा हुई तो 1,35,00,000 रूपए की राशि। चलिए मनोज जिनांगली को हम सुन रहे हैं, वो एक एक करके बिंदुवार बता रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर सहमति बनी और विकास हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। विकास, जो इससे पहले बयान दे रहे थे और जो कह रहे थे सहमति नहीं बनी और वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ मनोज न्यांगली ने पर्चा हाथ में लेकर ये पढ़कर ही बता दिया कि भाई किन किन मुद्दों पर सहमति बन गई है। ये कहें विजेंद्र, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, पर्चे के साथ में लगातार जो बयान आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी मौजूद है, विक्रम सिंह जी अंदर वार्ता में मौजूद थे और इन्होंने भी वही बात कही है जो हम पहले से शुरू से कहते आ रहे हैं और जिसकी हम उम्मीद करते थे, अपील करते थे, वही बात हुई है। विक्रम सिंह जी, क्या बात हुई, किन किन मांगों पर सहमति बनी, पर्चा साइन जो हुआ किन किन मांगों पर हुआ, जो एक दो बिंदु जिनको लेके बीच में साइन होने के बाद विरोध हुआ था वो क्या बात हुई थी? देखो, पूरी संघर्ष समिति की 2-3 डिमांड जो थी
कोई लंबी जोड़ी डिमांड नहीं थी। पहली संघर्ष समिति की डिमांड ये थी कि NIA से जांच हो इसकी। दूसरी डिमांड ये थी कि इसकी न्यायिक जांच हो। तीसरी डिमांड ये थी कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो। चौथी डिमांड ये थी कि उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। और पाँचवीं डिमांड ये थी कि उनके जो आश्रित है उनको मुआवजा दिया जाए। तो इन मांगों पर लगभग सभी मांगों के ऊपर संघर्ष समिति के द्वारा प्रशासन के द्वारा बैठ करके बात हुई, चर्चा हुई है। गवर्नर साहब से भी यहाँ से टेलीफोन के द्वारा राजेंद्र जी ने बात की थी। मनोहर लालजी ने अभी पर्चा दिखाया बाहर, जो सहमति बनी है, पर्चा जिसपे साइन हुए हैं वो बताया दिखाया कि और कहा है कि सहमति बन गई है। हाँ, वो लगभग सहमति बन गई है। एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी इस मामले के अंदर जिनकी लापरवाही थी उनको सस्पेंड किया जाए, और दो तीन पॉइंट्स और हैं जिनके ऊपर बाद वार्ता चल रही है, उसके बाद में भी फैसला होगा। लेकिन जो बाहर घोषणा की गई है वो ये सहमति बन गई है, फिर लगभग सहमति बन गई है, पर जो सहमति तो बन गई, जो समिति के अंदर एक दो लोग असंतुष्ट हैं, सबको ये एक ऐसा मैटर है जिसके अंदर समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चलने से ही इसका काम होता है। तो हमारी सबकी कोशिश ये है कि सब लोग पूर्णतः सेटिस्फाई होकर के फैसला लें। विजेंद्र, देखिए जिस तरह से विक्रम सिंह जी हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी घोषणा की है कि लगभग सहमति बन गई है और साथ में साइन भी हो गया कागज पर, लेकिन साइन होने के बाद में कुछ एक बिंदु है जिनको लेकर के समाज के एक दो लोग जिन्होंने आपत्ति जताई है, और उसके बाद में कुछ विरोध जरूर हुआ था, लेकिन कन्फर्मेशन किसने दिया है? भाई मैं सवाल बहुत गंभीरता से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में सरकार है भी और नहीं है, तो क्या वहां पुलिस ने उनको एक कंफर्मेशन दिया, आश्वासन दिया है? बीजेपी के किसी बड़े लीडर ने दिल्ली से कंफर्म करके आश्वासन दिया है? मतलब आश्वासन किसने दिया है? देखिए विजेंद्र, इस पूरे मामले में मैं आपको अपडेट कर दूं, कल से ही राज्यपाल जो हैं वो खुद लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। DGP से उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली है, जो पुलिस कमिश्नर है उनसे पूरी रिपोर्ट ली है, और वो हर पल पल की अपडेट जो है, चाहे वो अस्पताल मेट्रोमास अस्पताल हो, चाहे SMS अस्पताल हो, सभी जगह से पल पल की रिपोर्ट ली। आज मुख्य सचिव जो खुद उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी थी, और उसके बाद में अभी विक्रम सिंह जी उन्होंने भी घोषणा करी है कि जो बातचीत हुई है वो बातचीत जो है उसमें राज्यपाल जो है, ये अपडेट हम जानते हैं और लगातार दर्शकों को दे रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो घोषणाओं पर कंफर्मेशन दिया गया है वो राजभवन की तरफ से दिया गया है, उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे? बिल्कुल, देखिए अभी विक्रम सिंह जी जो हैं उन्होंने भी वार्ता के अंदर जो भी बातचीत हुई हमारी उसमें उन्होंने कहा इस बात को लेकर के कि राजभवन से भी पूरी लगातार संवाद था और उन्होंने आश्वासन दिया गया है। एक बार फिर से विक्रम सिंह जी का रुख करते हैं, उनसे बात करते हैं। विक्रम सिंह जी, राज्यपाल जो है उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, आज अभी जो वार्ता हुई तब उनसे संवाद हुआ है, अभी 1.5 घंटे पहले वार्ता हुई, और हमारा शिष्टमंडल उनसे मिलने भी जाएगा, अभी मिलने जाएगा, मिलने जाएगा। लेकिन अभी उनकी तरफ से क्या, मतलब उन्होंने क्या कहा है? कुछ उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो 2-3 डिमांड तो थी उसके ऊपर उन्होंने सहमति दी कि हमारे को इस पर कोई आपत्ति नहीं, हम इसके ऊपर सहमत हैं, आप अपने FIR की कॉपी भेजो, हम NIA से जांच की बात को लेकर के, या उन्होंने आदेश दिए इनको सस्पेंड करने का मैटर हो, चाहे नौकरी देने वाले को लिखित में दो, सरकार बनते हैं इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो देखिए बिल्कुल, ये बयान जो है उन्होंने कहा कि राज्यपाल लगातार संवाद बनाए हुए थे और 1.5 घंटे पहले ही बातचीत जो हुई है उसमें उन्होंने कह दिया और उसके बाद में सहमति पत्र तैयार हुआ है। अब जो बिंदु है जिनको लेकर गतिरोध है, समाज के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रतिनिधि इस प्रतिनिधिमंडल में मौजूद थे, तो उनके अलग अलग बयान हो सकते हैं, लेकिन लगभग सहमति इस पूरे मामले में बन चुकी है और उसका जो साइन जो है वो भी हो चुका है। अब कह सकते हैं कि जब बातचीत होती है, कुछ गतिरोध होता है तो उनको शांत भी किया जाता है, तो वही प्रयास अभी इस वक्त जारी है बाहर धरना स्थल पर, और उसके बाद में जो अस्पताल प्रशासन और साहब के साथ मौजूद है। तो जरा बताइए इस समझौता पत्र पर किस किस के हस्ताक्षर होंगे, संघर्ष समिति में कौन कौन है जिनके हस्ताक्षर होंगे, और दूसरी तरफ जिनको वादों को पूरा करना है उनको, उनकी तरफ से किस किस के हस्ताक्षर की डिमांड है? देखिए अभी समझौता पत्र सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से बयान दिया गया, राम सिंह जी जो हैं राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं, उनके विक्रम सिंह जी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और संघर्ष समिति में भी मौजूद थे, साथ में मौजूद थे, वार्ता में मौजूद थे, इन सभी का कहना यह है कि अधिकांश बिंदु उन पर सहमति बन गई, और जैसे ही समझौता पत्र सामने आएगा, हमारे पास आएगा, तो हम सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखाएंगे इस बात को कि समझौते पत्र में किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है। लेकिन जो वर्बल अपना हमारे चैनल के माध्यम से जो भाषण जो बयान दिया गया उसमें अधिकांश मांगे बताई जा रही है जिन पर सहमति बन गई है। जी ठीक है विकास, तो मानकर चलें कि
जो शिफ्टिंग होगी वो आज ही होगी या फिर सुबह शिफ्टिंग होगी, क्योंकि रात को पोस्टमार्टम शायद ना किया जाए। विजेंद्र देखिए, इस वाले मामले में अभी बहुत कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी बाहर समाज के सभी लोग बाहर मौजूद हैं, हम अंदर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ से अगर पुलिस की तरफ से कोई अधिकृत बयान आता है तो वो भी हमारे दर्शकों को सुनाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम अंदर मौजूद है, हमारे एक टीम बाहर भी मौजूद है और लगातार एक इस पूरे मामले में पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, अब जानकारी दे रहे हैं, सहमति बन चुकी है उसको लेकर दे रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से अधिकृत बयान जैसे ही आता है हम सबसे पहले हमारे दर्शकों को उसको बताने का प्रयास करेंगे। जी अच्छा विकास सत्यनारायण, अगर आपके साथ हो तो पूछिए, जरा 20 घंटे से ज्यादा हो चले हैं, क्या अभी तक कोई पुलिस के हाथ ऐसा इनपुट लगा है जिसके साथ वो अश्योर कर पाए कि अगले कितने घंटे कितने दिन में अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा? देखिए अभी तक की बात करें तो पुलिस के सामने दो अलग अलग चुनौतियां थी, एक तरफ जहां पे आरोपियों को गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, वो एक बड़ी चुनौती है, दूसरी तरफ आज पिछले 36 से 37 घंटे से लगातार जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को शांत करते हुए जो समाज के लोग हैं उनको शांत करते हुए एक बीच का रास्ता वार्ता में निकालने का था, तो उसमें से एक जो बात है उस पर लगभग सहमति बन गई है और उसके बाद में अब देखिए अलग अलग समाज के जो लोग हैं, समाज के प्रतिनिधि वो भी अंदर आ रहे हैं और साथ में अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के गृह मंत्री का और ये जो मुझसे वाले मामले के अंदर जो एनआईए की जांच हुई वो जांच हमारे आज पहली बार, अरे आपके शांति से अनुशासन से जो आंदोलन किया उसका फल है, 10 लाख लोग इकट्ठे करके भी आप ये फल ये रिजल्ट नहीं ले पाते, जो रिजल्ट आपने लिया 10-20 लाख लोगों की सेवा भी नहीं हो सकता था, ये आपकी शांति ने आपके अनुशासन ने ये रिजल्ट दिया है। अरे मुरारी जी का फोटो नहीं खींच रही यार आपसे, इस परिवार के लिए, इस सारे तमाम लोगों के लिए संघर्ष आगे जारी रहेगा, अब इसके बाद कुछ राशि और है जो शायद ये हमारे रेटा साहब आपको बताएंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं सरकार से हमने कोई भी राशि नहीं मांगी, लेकिन उसके बावजूद आज तक का सबसे बड़ा पैकेज हम वहां से भी लेकर आएंगे, इसके लिए सबसे बड़ा पैकेज, इससे बड़ी कोई घटना नहीं हुई, ये हमारा काम नहीं था मांगना, समाज सक्षम है, समाज में बड़े से बड़े भामाशाह बैठे हैं, समाज आपके साथ है पूरा, और ये इसमें मेघराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, भूंगरा के अंदर जब वो घटना घटी थी 38 हमारे समाज के जिंदा लोग जल गए थे, उस परिवार को सबल देने के लिए शुरुआत मैंने की, उसमें भी मेघराज सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग था, उस परिवार को सम्मान देने के लिए, परिवार को खड़ा करने के लिए आज भी सहयोग है, और हमारे समाज में सक्षम भामाशाह, सक्षम राजनेता है, सक्षम समाज सेवी है, परम ईश्वर से, परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज के अंदर सुखदेव सिंह जैसी और शख्सियतें पैदा हो और इस समाज को नेतृत्व आगे मिलता रहे, इसके साथ मैं आपको अंत में मेरी बात को विराम करते हुए मनोज जी,